ओके सो फैक्ट नंबर -1। ओके तो लियो मूवी का ये फैक्ट है, शायद आप जानते हैं, यहाँ पर इस मूवी में लियो इस स्टाइल से गोली चलाता है। एंड अगर आपको याद है 2012 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था जेंगो अनचेंड, और वहाँ पर भी हीरो कुछ इसी तरीके से गोली चलाता था। एंड इसे आप एक कॉपी या इंस्पिरेशन कहोगे नीचे बता देना, अरे नीचे मतलब कॉमेंट सेक्शन में। एंड गाइस शायद आपने नोटिस किया होगा, जो पार्थी है वो राइट हैंड से गोली चलाता है, बट वो जो लियो था वो लेफ्ट हैंड से गोली चलाता था। तो क्या लियो और पार्थी डिफरेंट पर्सन है? क्योंकि पास्ट में लियो को गोली लगे थे और वो बुलेट मार्क यहाँ पर कम्प्लीटली मिसिंग है, और मेडिकल में ऐसा कोई भी इलाज नहीं जिसके जरिए तुम बुलेट मार्क को मिटा सकते हो। तो क्या लियो और पार्थी डिफरेंट पर्सन है, या फिर ये लियो का स्टोरी फेक है? तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स और बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लियो मूवी के फैक्ट के रिलेटेड, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट फैक्ट नंबर 1। अगर आपको याद है तो ये लियो का पहला पोस्टर आया था, ठीक है? अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ तो ये थलापति की जो पोज है वो इस सीन से लिया गया है। एंड ये जो पोस्टर था अगर इसको भी मैं ब्रेक डाउन करूँ तो ये एक्चुअली इस सीन से लिया गया है। एंड गाइस ये जो मूवी है लियो, ये बहुतों को पसंद आई बट बहुतों को उतना भी ज्यादा पसंद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो थोड़ा डाउन जाता है। एकदम जो इंटेंसिटी वाला माहौल बना के रखा था फर्स्ट हाफ में, वो सेकंड में लूज हो जाता है। ये प्रॉब्लम थी मूवी में, कोई भी प्रॉपर एंटागोनिस्ट नहीं है, मतलब प्रॉपर विलन नहीं है। मतलब लोकेश सर के राइटिंग में जो चीज होती है वो यहाँ पर नजर नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि ये जो मूवी है इसके राइटर लोकेश सर नहीं है। जी हाँ, वो कंप्लीट राइटर नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का एक काइंड ऑफ रीमेक है। वहाँ पर भी एक कॉफी शॉप वाला बंदा होता है और फिर कुछ गुंडे उनके ऊपर अटैक करते हैं, और उसके बाद उस बंदे की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, जैसा हमने लियो में देखा। तो इस मूवी के कम्प्लीट राइटर लोकेश सर नहीं है, दैट्स व्हाई हमें विक्रम और कैथी देखते वक्त एक्चुअल मजा मिला था, वो यहाँ पर काइंड ऑफ मिसिंग था। फैक्ट नंबर 3। ओके तो जब ये मूवी अनाउंस किया गया था ये LCO का पार्ट नहीं था। मतलब लोकेश सर और इस मूवी के मेकर्स को पूछा गया था कि क्या ये LCO का पार्ट है, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था। लेकिन इस मूवी के रिलीज के 2-3 दिन पहले इस मूवी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये LCO का पार्ट है। मूवी रिलीज होने के एकदम ठीक पहले कहना, ये एक्चुअली काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ताकि LCO के वजह से इस मूवी का हाइप बने और लोग धन टिकट खरीदे। फैक्ट नंबर 4। तो इस मूवी का जो डायलॉग राइटर है वो है रत्ना कुमार, और इन्होंने ही मास्टर मूवी का भी डायलॉग लिखा था, और मास्टर मूवी का थीम हमें इस मूवी में सुनने को मिलता है। और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये थीम मास्टर मूवी का है। वेल नॉट ओनली दैट, अगर आपको याद है तो लियो अपने हाथ में एक करा लगाता था जो कि काइंड ऑफ मास्टर मूवी का रेफरेंस था, क्योंकि वहाँ पर भी थलापति ऐसे करा लगाया करते थे। आपको याद है ना वो सीन? जी हाँ। एंड गाइस यहाँ पर ये जो म्यूजिक था, वेल मास्टर मूवी के बाद ये थलापति का ऑफिशियल म्यूजिक बन चुका है। जी हाँ, थलापति के बहुत सारे मूवीज में ये म्यूजिक हमें सुनने को मिलता है। अब मास्टर मूवी का रेफरेंस था क्योंकि मास्टर मूवी का डायरेक्टर और इस मूवी का डायरेक्टर दोनों एक ही है, एंड दैट इज लोकेश सर। एंड गाइस इस मूवी में BGM यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध, और इन्होंने विक्रम और कैथी में भी दिया था, और रिसेंटली आई मूवी जवान में भी इन्होंने म्यूजिक दिया था। मतलब LCO का म्यूजिक कंपोजर यही है, ये आप मान के चलो। एंड अनिरुद्ध ने अपने करियर की शुरुआत वाई दिस कोलावरी दी सॉन्ग से किया था। जी हाँ, वहाँ पर भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया था। एंड म्यूजिक ऑफ जेलर मूवी वॉज ऑल्सो हिज। और हाँ, इस मूवी के ऊपर भी जल्दी वीडियो आने वाला है। एंड गाइस ये थलापति की पहली ऐसी एक मूवी बन चुकी है जिसने रिलीज होने से पहले ही अपने बजट से ज्यादा कमा लिया। जी हाँ, इस मूवी का बजट 300 करोड़ है, और म्यूजिक राइट्स, डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स बेच के इस मूवी ने लगभग 422 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि रिलीज होने से पहले ही इस मूवी को हिट बना चुकी है। एंड गाइस इस मूवी में लियो हिमाचल में रहता है ऐसा दिखाया गया है। एंड मैं आपको बता दूं, इन रियल लाइफ इन पूरे सीन्स को हिमाचल में नहीं कश्मीर में शूट किया गया है, और शूटिंग के दौरान वहाँ का टेम्परेचर कभी -20 डिग्री तो कभी -5 तो कभी -6 तक भी गया था। टेम्परेचर नीचे गया था, तो इतने लो टेम्परेचर में शूट करना काफी हार्ड था। फैक्ट नंबर 8। हमने इस मूवी में इस हाइना को देखा, और ये जो हाइना था ना ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक था। वो इसलिए क्योंकि इसके VFX और CGI के पीछे मूवी के मेकर्स ने लगभग 15 करोड़ खर्च कर दिया था। दैट्स व्हाई इसका जो CGI है ये हमें बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलता है। और ये जो हाइना है ना, इसका लाइफ यहाँ पर काफी हद तक लियो की तरह था। हाइना एक्चुअली झुंड में रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अकेला है। अब हो सकता है कि ये बिछड़ गया है या फिर ये खुद अकेला रहना चाहता है। वेल ऐसा सेम लाइफ काइंड ऑफ लियो का भी था। वो पहले झुंड में रहता था, अब वो यहाँ पर अकेला है क्योंकि वो अकेला जीना चाहता है, मतलब माँ बाप चाचा के बिना।
आइनोस का फैमिली था और उसने फैमिली इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि उसके अंदर पहले बहुत सारी नेगेटिविटी थी और उसको दूर करने के लिए ही उसने फैमिली का रास्ता चुना और स्मोकिंग भी छोड़ दिया और ड्रिंकिंग भी छोड़ दिया। और ये जो सॉन्ग था ना और इसके जो लिरिक्स है ये लियो के प्रेजेंट लाइफ को सिग्निफाई कर रहा था। There's nothing you can do. मतलब तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हैरोल और एंथनी कुछ नहीं कर पाए थे लियो का। So run away. जान की भाग जाओ। Cause I'm here to stay. मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ रहने के लिए। I'll break you down. मतलब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। You wouldn't last a day. मतलब तुम एक दिन भी नहीं टिक सकते। और हाँ, हैरोल और एंथनी एक दिन में ही मरे थे। वेल, लियो ने इस हाइना का नाम जकर बांगरू रखा था, लेकिन इस मूवी के ओरिजिनल लैंग्वेज में लियो ने हाइना का नाम सुब्रमणी रखा था। एंड 1982 में कमल हसन सर की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मुंद्रम पिताई, और वहाँ पर श्रीदेवी ने श्रीदेवी के कैरेक्टर ने वहाँ पर अपने कुत्ते का नाम सुब्रमणी रखा था। अब हो सकता है कि ये उस मूवी का रेफरेंस है क्योंकि कमल हसन लोकेश सर के फेवरेट एक्टर हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि पार्थी हिमाचल में रहता है, लेकिन इस मूवी के रिलीज होने से पहले ये सोचा गया था कि पार्थी हिमाचल में नहीं तमिलनाडु के ही किसी एक छोटे से जगह में जाके रहेगा। लेकिन जब मेंबर्स उस जगह पे शूटिंग करने गए थे तो वहाँ पर थलापति के बहुत सारे फैंस जमा हो गए थे जिसके कारण शूटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। दैट्स व्हाई लियो के हाउस सीन को फैमिली सीन को हिमाचल में शूट किया गया था। एंड गाइस, रेडिट पे किसी ने शेयर किया था वो जो जोशी था उसके मोबाइल में पार्थी का नंबर लियो बोल के सेव था। एंड आई थिंक ये एक एरर हो सकती है क्योंकि अगर उसे पता है कि पार्थी ही लियो है तो वो इतना मेहनत क्यों करेगा। मतलब लिटरली वो जेल गया था लियो के लिए, और अगर वो जानता है कि पार्थी ही लियो है तो ये लाइन इस स्टोरी के ऊपर फिट नहीं हो रही। तो ये जो सॉन्ग है नारेडी, इस सॉन्ग में थलापति के साथ लगभग 500 डांसर ने डांस किया था, और इस सॉन्ग को शूट करने के लिए 7 days लगे थे, और इस सॉन्ग के पीछे 7 crore खर्च किया गया है। एंड गाइस, इस मूवी में आपने संजय दत्त सर को देखा, और ये उनकी पहली तमिल मूवी है। इससे पहले हमने उनको अधीरा के रोल में देखा था और वो कन्नड़ा इंडस्ट्री थी, बट दिस इज तमिल इंडस्ट्री। एंड गाइस, इस मूवी के रिलीज होने के बाद लोकेश सर ने कंफर्म कर दिया है कि इसका सीक्वल भी आएगा, यानी कि लियो पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा। वेल, इसके बाद जो लोकेश सर की मूवी आएगी दैट विल बी थलाइवा 171, और कहा जा रहा है कि वो मूवी एलसीओ का पार्ट नहीं होगा, बट अगर वो एलसीओ का पार्ट होगा देन इट विल बी ए ब्लास्ट। क्योंकि लियो के रिलीज से पहले लोकेश सर ने कहा था कि ये एलसीयू का पार्ट नहीं है, बट एट द एंड इट्स ए पार्ट ऑफ एलसीयू। तो हो सकता है कि ऐसा सरप्राइज हमें थलाइवा 171 में भी देखने को मिलेगा। एंड गाइस, यहाँ पर लियो का जो वॉइस था, हिंदी वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर, वो फेमस कॉमेडियन कृष्णा का है। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोगों को थलापति का ये वॉइस हजम नहीं हुआ। अगर संकेत मात्र यहाँ पर होते तो 4 चांद लग जाते। एनीवेज, समय के साथ साथ हम इस वॉइस में भी ढल जाएंगे। एंड गाइस, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इस मूवी के लिए थलापति ने अपना ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट खुला है। इससे पहले शायद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, और आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ लियो मूवी के रिलेटेड ही पोस्ट है। एंड आप नोटिस कर सकते हो ओपन करने के साथ साथ उनका लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गया है। और इस फैक्ट को मेरे फ्रेंड ने बताया था तो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। एंड गाइस, इस सीन में जब एंथनी बलि देने की बात कर रहा था तब उसने इस कलर का ड्रेस पहना था, और ऐसा सेम कलर का ड्रेस जब वो लियो से मिलने गया था तब भी पहना था, ताकि लियो उसका वही ओल्ड शर्ट देखे और उसे थोड़ा सा झटका लगे। बट एंथनी लियो के फेस में कोई भी झटका यानी कि शॉक नोटिस नहीं किया था, क्योंकि अपना लियो मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपने इमोशंस को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। और तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ये मुझे पता है। क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि अगले 10 दिन तक मैं नहीं हिला? अब ये फैक्ट नहीं, ये एक डिटेल है। तो लियो और उसकी फैमिली सभी मिलके ये हैंड का स्टैचू बनाया था जो कि उन सभी के एकता को सिग्निफाई कर रहा था, बट बाद में ये हैंड का स्टैचू ब्रेक हो गया था, और ये सिग्निफाई कर रहा था लियो का उसके बीवी के ऊपर जो ट्रस्ट था वो ब्रेक हो गया था, क्योंकि लियो को लगा था सभी उसके ऊपर शक करेंगे लेकिन उसका वाइफ नहीं करेगी, लेकिन उसके वाइफ ने पार्थी के ऊपर शक किया था, तो ये जो पार्थी का ट्रस्ट था ये ब्रेक हो गया था और ये उसी को सिग्निफाई कर रहा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड गाइस, इस सीन में नेपोलियन कहता है कि मैंने तो सिर्फ बटन दबाना दिखाया था, बाकी का काम तो दिल्ली ने किया था। वेल, अगर हम कैथी में बैग जाए, एंड गाइस, इस सीन में नेपोलियन एक्चुअली में बताया था कि कौन सा बटन दबाना है। ए, मारो उसको, अब फायर करो। एंड कैथी का एक मस्त डिटेल बताता हूँ। वेल, लोकेश सर ने इंटरव्यू में कहा है कि ये जो दिल्ली है ये पास्ट में एक कबड्डी प्लेयर था, तो ये जो फाइट सीन था, इस फाइट सीन में हम कुछ कबड्डी के मूव नोटिस कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली पहले एक कबड्डी प्लेयर था। और अगर ऐसे और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे कैथी और विक्रम का डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। और ये जो सॉन्ग था ना और इसके जो लिरिक्स है ये लियो के प्रेजेंट लाइफ को सिग्निफाई कर रहा था। माई लाइफ इन दिस टाउन, मतलब मेरा लाइफ इसी गाँव में है, इस टाउन में है,
एंड आई एंट गोइंग डाउन, मतलब मैं डाउन नहीं जाऊंगा, मतलब मैं हार नहीं मानूंगा। यू थिंक आई एम क्रेजी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्रेजी यानी कि पागल हूँ, बट आई डोंट वांट द क्राउन, मतलब मैं क्राउन नहीं चाहता, मतलब मैं जीत नहीं चाहता, मतलब उसको नॉर्मल लाइफ जीनी है वही। और अगर किसी बंदे को उसके क्रश के साथ नॉर्मल लाइफ मिल जाए तो उसे और क्या ही चाहिए। वेल, ये सपना तो मेरा भी था। एंड गाइस, इससे पहले मैंने लियो का हिडन डिटेल वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरीज कहे थे, जैसे कि लियो का ये जो फ्रेंड था डिसोजा, ये हिमाचल के जेल में क्या कर रहा है, वो तो पहले दासन को फैक्ट्री में था ना, और लियो के जो बुलेट मार्क है वो यहाँ पर कम्प्लीटली मिसिंग है। एंड गाइस, इस मूवी में बहुत सारे लूप होल्स थे, और अगर आपको कैथी मूवी याद है तो वहाँ पर हमने एक एजेंट का नाम सत्या सुना था। अकेडमी के कुछ टॉपर लोगों की पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है, शायद वो अभी अंडरकवर काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका नाम बताओ। एक मिनट सर, सत्या। सत्या, और वो लियो की वाइफ होती है। तो ये सभी लोकेश सर ने हमारे लिए छोड़ा है ताकि देवादा एचबीटी थ्योरी डिस्कस कर सके, तो चलो डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर एक ही डिस्कस करूंगा, ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एनीवेज, तो लियो के जो बुलेट मार्क है वो कहाँ है? तो गाइस, ये हो सकता है कि डिसूजा ने जो लियो की पास्ट की स्टोरी बताई वो फेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुलेट मार्क मिसिंग है, ठीक है, और वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड, और वहाँ पर उस लड़की ने, आई मीन लियो के बहन ने कहा था कि इन सभी में से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, तो लियो तो इतना बुजदिल नहीं है कि इन सभी को मारे बिना भाग गया। और थर्ड चीज, अगर आपको ये सीन याद है तो यहाँ पर एंथनी ने कहा था कि 22 साल पहले इसी दिन मैंने तेरे बहन को मरवाया था। एंड लियो की जो टाइमलाइन है वो 2022 में टेक प्लेस करती है, तो यहाँ से अगर 22 साल पहले जाई तो हमें 2000 मिलती है, यानी कि एलिसा 2000 में मरी थी, लेकिन डिसूजा की स्टोरी में एलिसा 1999 में मरी थी, तो काइंड ऑफ उसका जो स्टोरी है ये फेक हो सकती है। एंड गाइस, एंथनी ने ये जो शूट किया ये हो सकता है कि उसने कभी किया ही नहीं। अगर आप किसी को गोली मार के मारोगे और फिर उसे जिंदा देखोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यही ना बे, तू, तेरे को तो मैंने अपने हाथों से गोली मारा था, तो फिर तू जिंदा कैसे है? लेकिन एंथनी का यहाँ पर ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं था, मतलब एंथनी को जरूर बोलना चाहिए था कि मैंने तेरे को अपने खुद हाथों से गोली मारा था। प्रेजेंट लाइफ में उसने एक बार भी कंफर्म नहीं किया कि मैंने ही उसे अपने हाथों से गोली मारा था, तो हो सकता है कि ये जो गोली मारने वाली बात है ये एक्चुअली में हुआ ही नहीं, यानी कि एंथनी ने जो पास्ट में गोली फायर किया था वो एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। एंड ये जो लियो का फ्रेंड था डिसूजा, इसने कहा था कि वो लियो को उसके आंखों को देख के पहचान सकता है, लेकिन इसने यहाँ पर पार्थिमन के आंखों को देख के कहा था कि ये लियो नहीं है। एंड हमें एंड में पता चला कि पार्थिमन ही लियो है, तो इसने यहाँ पर ऐसा मिस्टेक कैसे कर दिया? एंड अगर डिलीटेड सीन की बात करें तो वो सीन ये था। वेल, उसने यहाँ पर कहा, ईच पर्सन विल से हंड्रेड ऑफ स्टोरीज, ईच विल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी, एंड दिस इज माई पर्सपेक्टिव, यानी कि गूगल बताएगा। गूगल, वह कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों कहानियां कहेगा, प्रत्येक का कहानी के प्रति अपना दृष्टिकोण होगा, यह मेरा दृष्टिकोण है। मतलब किसी को भी लियो का एग्जैक्ट पास्ट की स्टोरी नहीं पता, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर उसने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव कहा था। एंड यस, यू कैन से ये फ्लैशबैक फेक हो सकती है। अब इस सीन को मूवी में रिमूव कर दिया। अब लोकेश सर ने इसलिए रिमूव नहीं किया कि वो करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने इसलिए रिमूव किया, यहाँ पर इन्होंने ये जो बोला इसके वजह से लोगों के ऊपर, आई मीन ऑडियंस के ऊपर फ्लैशबैक का उतना असर नहीं पड़ेगा। जैसे विक्रम का फ्लैशबैक फेक था, उस फ्लैशबैक में वो एक बहुत ही घटिया और वायत पर्सन था, बट एक्चुअली में वो कुछ और ही था, तो उसी तरीके से हो सकता है कि ये फ्लैशबैक फेक है। एंड गाइस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने अपने पहले दिन 145 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड यस, इसने तमिल मूवी में जेलर को पीछे छोड़ दिया, और अब तक यानी कि 13 दिन की कलेक्शन की बात करें तो इसने पूरे वर्ल्ड वाइड 550 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिससे कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। वेल, लेट्स सी ये मूवी 700 करोड़ या 800 करोड़ क्रॉस करती है या नहीं। मुझे लगता है 700 आराम से क्रॉस कर लेगी, बट 1000 कुछ हद तक मुश्किल है। और गाइस, ये लियो का क्या स्टोरी बता दिया, जहाँ पर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके कुछ घंटे बाद ही उसको मरवा दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक स्टोरी में ही पॉसिबल हो सकती है। एंड कैथी में सत्या नाम कहा गया था। एंड गोल्ड माइंस के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले मेरे को आप बताओ एलसीयू में शिवा, बिल्ला और रंगा कौन है? जी हाँ, शिवा दिल्ली है और बिल्ला और रंगा ये दोनों है, मतलब गोल्ड माइंस वाले नाम की माँ बहन करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो सत्या नाम है इसको रैंडमली चूज किया गया है। और स्टीफन राज का जो रिएक्शन था देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर सत्या एक मर्द का नाम बताया गया है। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल डायरेक्टर होता तो हम कह सकते थे कि ये एक मिस्टेक है, बट ये लोकेश सर है भाई, ये ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते। और इस मूवी में सत्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिससे हम काइंड ऑफ उसे एक एजेंट कह सकते हैं, बट सत्या शायद पार्थी के साथ 20 साल से है, तो उसे इतना टाइम कहाँ मिला होगा एकेडमी में जाने का, एकेडमी। एंड गाइस, इस मूवी में लियो अपने गन को स्टाइल से लोड करता है, ठीक है। वेल, अगर आपको बुलेट ट्रेन मूवी याद है तो वहाँ पर भी ये अपने गन को ऐसे लोड करता है, और ये एक काइंड ऑफ कॉपी या इंस्पिरेशन है।
और डिसूजा यहाँ पर हिमाचल के जेल में क्या कर रहा है इसके बारे में मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ, ठीक है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि लोकेश सर ने कोई भी हिंट नहीं दिया। वेल ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। वेल इस मूवी में जितने भी क्वेश्चंस है वो एलसीयू के आगे की मूवीज में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये तो बस एक काइंड ऑफ शुरुआत है। और हाँ, आप मेरे लियो का हिडन डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हो और विक्रम और कैथी का भी, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा, मेरी जान, जय हिंद।